एक फैमिली की हमारा एक इवेंट था एक शादी थी उसमें सुल्ताना से दी की हु इज़ आई एम श्योर शी नीड एन इंट्रोडक्शन बट शी इज़ द फाउंडर ऑफ हम टी वी सो शी वी देयर एंड शी मी एंड वी स्पोक फॉर अ लिटिल वाइल तो वो तो uh, जो भी उनको थोड़ा सा भी जानता है उनको उनके बारे में ये पता है दैट शी इज़ वेरी गुड एट स्पॉटिंग I don't know if I can say talent. talent. Yeah, yeah. मतलब मुझे अजीब लग रहा है ये बोलते हुए लेकिन go for it. She's very good at spotting कि this person might be good for the screen या इसमें कुछ है ये शायद कुछ कर ले. Hmm. Um, so she uh, was like you know you should do this and I was like what no I don't think I can. But she was like, no, think about it. You know, uh, then if you want to do it, then come. Then let's see, konsa project and aap audition do. Samajh aa raha If you can do it or not, but think about it. So she planted the seed, uh, the first time uh, in my head, and I was just like, okay, interesting. I went back to Dubai, and वहाँ पे normal मेरी routine, crazy hours, if you know McKinsey. Mm. So I was like, then again. Um,

So basically, I did not get a break. So I was like, you know what? I think I'm going to really enjoy it, and maybe I'm good at it. Try करके देखते हैं कि मतलब अगर कोई अच्छा role मिल जाता है and मुझे समझ आती है और उनको भी लगता है कि मैं कर सकती हूँ. Because हवा में बात तो आप कर सकते हैं, but actually ground पे जा के काम करना is a completely different ball game. Hmm. Um, so I was like, you know what? Okay, fine. So then I decided to uh, opt for it, and then

ट्राई करनी है सो यू शुड गो फॉर इट बिकॉज यू नेवर नो के दैट माइट बी कॉलिंग हो सकता है यू नो सो उस परस्पेक्टिव से कि मुझे लग रहा है कि कुछ है मुझे मजा आएगा एंड आई थिंक आई माइट बी गुड एट इट ट्राई करके देखती हूँ उस अप्रोच से मैं गई थी एंड विद लॉट ऑफ होप दैट इट एक्चुअली वर्क एंड चुपके चुपके वज दर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई डिसाइडेड टू डू एंड देर दे सॉ देट आई वॉज प्रोबली गुड फॉर दिस कैरेक्टर मिशी का कैरेक्टर सो दैट है वो फिर एक साल डिले हुआ था ये लास्ट रमजान में आना था फिर वो एक साल फिर मैंने ये सोचा था उस वक्त की ये दो तीन महीने का मेरा कमिटमेंट है बल्कि वो भी नहीं फोर्टी डेज फोर्टी टू फिफ्टी डेज का मेरा कमिटमेंट है सो आई टेक अ ब्रेक फ्राम एक इंजी आई डू दिस एंड फिर देखते हैं कि क्या होता है तो वो तो पूरा एक साल वन एंड हाफ ईयर बाद आया एंड आई वाज लाइक अच्छा अब क्या करें सो आई डिसाइडेड ओके फाइन अब एक चीज करने का मैंने कमिट किया है एंड आई वांट टू डू इट सो अब एक साल डिले हो रहा है एक और आधा साल डिले हो रहा है लेट्स डू इट सो देन वही एक साल के बाद अब आपके सामने प्रोडक्ट है हमारा so, the, चुक्ते you चुक्ते you some... Now, yes. Now yeah, you, you have. Yes, Now. I did. Now. I did. Abhi. Later, yes. Yeah.

So, क्योंकि मैं इसलिए सवाल अच्छा पहले आप जवाब दे दें फिर मैं आपसे आपको बताऊंगा मैं क्यों पूछ रहा आपसे पहले जो इसका प्रोसेस है एक्टिंग का एक तो रिजल्ट है अगर उधर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है जो अलहमदुल्ला चुपके चुपके में इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है तो वहाँ तो ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है अगर आपकी एफर्ट को अप्रिसिएशन मिले फैंस की तरफ से ऑडियंस की तरफ से लेकिन मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि क्या मैं प्रोसेस मेरे लिए एक्साइटिंग है क्या मैं प्रोसेस में खुश हूँ तो यस yes, अगर उस सेंस में आप पूछ रहे हैं सो एब्सोल्यूटली लाइक आई रियली इंजॉयड एक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इट एवरी थिंग गेटिंग इन टू अ डिफरेंट कैरेक्टर हैविंग यू नो ट्राइंग टू फील फॉर दैट कैरेक्टर गेटिंग इन टू इट एंड देन परफॉर्मिंग दैट तो वो चीज़ मैंने बहुत इंजॉय की uh, मेरी जो फर्स्ट टीम थी चुपके चुपके की आई रियली इंजॉय वर्किंग विद दैम so the process of acting um, was very enjoyable for me. so i was happy doing it. so i do think that it could be my calling. but i think it's too early for me to say, okay, it's my true, true calling. so i'm not sure about that. but i am enjoying it so far. so let's, let's see. <laughs> <laughs> because, and i will go back to my intro when i said fresh talent, but not raw. so when i watch, जो सबसे अच्छी बात है उन्होंने आपके साथ साथ और भी हमें कुछ ऐसे एक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया है किसी भी ऐसे एक्टर को देख के नए एक्टर को देख के ऐसा नहीं लगता कि उनका पहला प्रोजेक्ट है एंड सो नाउ कमिंग बैक टू यू जब मैं आपके सीन्स देख रहा होता हूँ मुझे yeah. uh, लगता है, कि है. So now, you, मुझे है यार कि यार यू नो इवन वेन यू नॉट इन द

so maybe you always had it in you so firstly thank you so much that was very sweet um yes we, i i have been hearing that kafi log ye feedback de rahe hain uh, mentors to so, main jhoot nahi bol raha <laughs> <laughs> Industry के mentors भी कुछ ये कह रहे हैं ऑडियंस um, का reaction ये कह रहा है कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी वो देख रहे हैं So yeah, I, I maybe it's something. समथिंग um, दैट वी हैव जो एक नेचुरल है कुछ मैंने भी एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की है एज सच आई थिंक जो चीज मैंने करने की कोशिश की है मुझे एक मैंट्रोर ने इंडस्ट्री के मैंट्रोर ने ये चीज़ बोली थी कि आप बस बी इंटेलिजेंट वेन योर एक्टिंग जस्ट बी इंटेलिजेंट गेट इन टू द कैरेक्टर एंड जस्ट ट्राई टू फील कि यह कैरेक्टर इस वक्त अगर मैं हूँ तो वो क्या फील कर रहा होगा तो अगर आप कुछ डायलॉग्स नहीं भी बोल रहे हो और आपके साथ कोई और बात कर रहा है या कोई किसी और से बात कर रहा है

और फिर आपका तो पहला प्रोजेक्ट है आपको ये भी नहीं पता कि कैमरा क्या होता है कैसे होता है एंगल क्या होता है लाइट क्या होती है प्रोफाइल कौन सी मेरी सही है कौन सी अभी, गलत तक, है। नहीं पता, मुझे है। अभी तक आपको ये चीजों को अगर नहीं पता तो फिर हाउ डू यू डेवलप दैट कंफर्ट लेवल व्हेन यू यू वर्किंग विद सच अ लार्ज कास्ट एंड लाइक नो आपको ये नहीं होता कि वो मेरी मेरी वजह से या मेरे रीटेक की वजह से दस लोगों का और टाइम बर्बाद हो रहा है जाया हो रहा है लाइक हाउ डज इट वर्क अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज वेरी स्मूथ इन दैट सेंस यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगी टू आर डायरेक्टर, दानिश नवाज उन्होंने ऑब्वियसली एक डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप उनको जब पता होता है कि उनके पास दो कुन अरसलान इज़ एक्टिंग विथ मी उनका भी पहला था मेरा भी पहला था हम दोनों का डेब्यू था सो वेन यू हैव टू लीड कैरेक्टर्स परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम and also daughter, paid एग्जैक्टली पेयर टुगेदर तो डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है टू मेक दैट दे आर कम्फर्टेबल एंड आर डूइंग गुड जॉब सो यहाँ पे आई वुड लाइक गिव क्रेडिट टू दानिश नवाज हु वाज़ वेरी इनकरेजिंग तो मेरे पहले दिन से ही उन्होंने मुझे बहुत इंकरेजमेंट दी कि यू नो यू आर अचुरल यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब फ्लेक्सीबिलिटी दी तो एक कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी आ गया और फिर एक और चीज़ मैं बोलूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर कि क्योंकि ड्रामा एक साल के स्पेन में शूट हुआ है तो थोड़ा सा हमारा एक ये भी हो गया कि कुछ सीन्स हमने शुरू में एक साल पहले किए थे फिर थोड़ा गैप आ गया तो उसमें भी थोड़ा आपका कंफर्ट लेवल सारे एक्टर्स से भी बहुत अच्छा हमारा बन गया कुछ भी ऑलमोस्ट बिकेम वेरी कंफर्टेबल ईच अदर ऑल ऑफ अस उससे भी बहुत फर्क पड़ता है फिर आपको ये फील नहीं होता कि यू you नो know, मैं उसको वेट करा रही हूँ कि अगर मेरा रीटेक है या अगर उनका रीटेक है तो वो फिर कंफर्ट लेवल आपका अच्छा हो जाता है ऐसा लगता है कि सेट पे इतने लोगों के होने के बावजूद फड्डे नहीं हुए यार ये या आपने पहले भी पूछा है आ, अपने इंटरव्यू पे चुप मैं चुपके। तो हर इंटरव्यू में पूछता हूँ मुझे, 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 मुझे मसाला मिल जाए किसी हाँ, तरह से आपको इंटरेस्ट है हाँ, मेरी तो कोशिश तो काम ही है मसाला निकलवाना नहीं ऐसा कोई मसाला एक्चुअली बल्कि मुझे ये सवाल पूछा गया मुझे लगा कि काफी मुझे पता चला कि काफी फड्डे हुए हैं सेट के ऊपर अच्छा कौन से फड्डे किससे सुना आपने नहीं हुए फड्डे नहीं ऑनेस्टली फड्डे तो नहीं हुए सेट पे फड्डे तो नहीं हुए लेकिन हाँ कुछ क्या गर्मा गर्मी हुई थी क्या

केमिस्ट्री देख के खुश हो रहे हैं लोगों की ड्रामा देख के ओवरऑल खुश हो रहे हैं ये इसी वजह से ऑनेस्टली है क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट किया है लोगों ने तो आप जब किसी की टांग खींचते हैं ये सब तो वो कंफर्ट लेवल नहीं होता आप अच्छा नहीं कर सकते यहाँ पर सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया है सो फॉर एग्जांपल आयजा शी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला शी इज़ बिन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड माशाला लाइक शी सच अ प्रोफेशनल एक्टर बहुत उनसे ये सीखने को मिला आप कितना प्रिपेयर्ड आओ हर सीन से पहले किस तरह आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ओ बी वॉज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी सपोर्टिव हर सीन में यू नो ही वुड गिव इज इनपुट पुट इज़ वेल अरसलान एज वेल उनके साथ जो सीन्स होते थे उसमें हम लोग डिस्कशन करते थे कुछ हम दोनों का पहला प्रोजेक्ट um, था तो हम प्रेपरेशन साथ कर रहे थे डिस्कस करते थे सीन्स को उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं